अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डॉक्टर फ़ायज़ा हेल्थ ब्यूटी टिप्स चैनल में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप तमाम दोस्तों को एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूं जो कि पुराने दौर के हकीम जो होते थे वो अमीर बादशाहों ये नुस्खा दिया करते थे, गरीब लोगों या आम लोगों को ये नुस्खा हरगज नहीं दिया जाता था। मेरे पास एक किताब मौजूद है जिसमें जो पुराने बादशाह है वो ऐसे नुस्खा जात इस्तेमाल करते थे और इसकी वजह से वो 10-10 और 15-15 शादियां करके औरतों की तसल्ली करते थे। उनके अज़ुए ख़ास में ढीलापन नहीं आता था और उनका अज़ुए ख़ास सख्त रहता था और उनके अंदर हमेशा मर्दाना ताकत रहती थी। किस तरीके के साथ वो क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे वो आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ। दोस्तों, ये नुस्खा ऐसा है जो कि अमीरों और बादशाहों का नुस्खा है। आम लोग इस पर रसाई हासिल नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके दौर के जो बादशाह होते थे वो बहुत ताकतवर होते थे और आम इंसान को वो कुछ भी नहीं समझते थे। तो आइए नुस्खा की तरफ आते हैं, लेकिन नुस्खा की तरफ आने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, ये नुस्खा बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने आया हूँ। तो आइए इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से अज्जा शामिल होते हैं। दोस्तों, आपने इस नुस्खा में सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ें इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले आपने इसमें जंगली तुलसी ले लेनी है या फिर आप जंगली तुलसी के बीज भी ले सकते हैं। इन दोनों चीज़ों में से जो चीज़ भी आपको मिल जाए ठीक है। और दूसरे नंबर पर आपको बेड़ का दूध चाहिए। बेड़ का दूध जो दोस्त देहात में रहते हैं वहाँ बड़ी आसानी से मिल जाता है और वैसे भी किसी से मंगवाया जा सकता है। आपने जंगली तुलसी और बेड़ के दूध को हम वज़न लेकर हवन दस्ते के अंदर खूब पीस लेना है। तो दोस्तों, ये एक लेप की शक्ल में आ जाएगा, ये गाढ़ा सा लेप बन जाएगा। अब आपने अज़ुए ख़ास को अच्छी तरह से साबुन से धो लेना है और उसके बाद अज़ुए ख़ास के ऊपर इसको लेप कर लेना है या मल लेना है और इसके ऊपर कोई शापर वगैरह बांध लेना है या फिर पान का पत्ता बांध लेना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अज़ु को हवा नहीं लगती और पान के पत्ते में तो गर्माइश होती है। आपने ये दो चीज़ें इस्तेमाल करनी है और इसको बांध देना है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये पुराने ज़माने के हुक्मा इस नुस्खा को अमीरों और बादशाहों के अलावा किसी और को ये नुस्खा नहीं देते थे। दोस्तों, ये नुस्खा बहुत ही ख़ास चीज़ है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आपके अज़ू में इतनी सख्ती आ जाएगी कि आपके कपूरों में मनी भी मौजूद नहीं भी है तब भी आपके अज़ू में सख्ती रहेगी। जब आपका दिल चाहेगा जितनी दफ़ा मर्जी मुबाशरत कर लें, आपके अज़ू में ढीलापन नहीं आएगा, सख्ती ही होगी इसमें रहेगी और पावर रहेगी इसके अंदर। और बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा मैंने आपके लिए पेश कर दिया है। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे नुस्खा जा लेकर आता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो इसको लाइक और शेयर कर दें ताकि दूसरे दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अब हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ऐसे नुस्खा जात लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।